और मुहिरा दुबई भी चले गए थे बीच में जी और ही केम बैक आई थिंक 2017 17, 17 में फिर वापस आए आपको याद है कुछ जैसे जिन ब्लैक मैजिक के ऊपर आई थिंक ये वर्कशॉप करा रहे थे लाहौर में अच्छा। आ, हमारे सेंटर में तो वो मैं अटेंड करने आया था और अच्छा मुझे अच्छा फर्स्ट टाइम

आपके साथ ही मुलाकात हुई थी लेकिन इनफॉर्मल मुलाकात ऐसी हुई थी की रमजान में मैंने सैरी पे बुलाया था सब भाइयों को वाइस सेल के तो उनसे मेरी इतनी तुमने मुझे मैसेज किया

यानी जिससे मेरा है भाई से <laughs> भी, है। और, पेलो भी। <laughs> और इनका जो कमरा था बड़ा स्पेशल ये जाहिर है अकेले रहते थे इनके पेरेंट्स दुबई में थे तो ये यहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे दरस निज़ामी वगैरह तो नाइन्टी नाइन जे मॉडल टाउन आपको है अनस भाई का घर वहाँ बिल्कुल गली में जाके बैक पे इनका कमरा होता था और बड़ा आइकॉनिक कमरा था वहाँ पे बैठ के 2011 की बात है मैं और ये बैठ के ना वाईसी सी को क्रिटिक किया करते थे हम कहते थे यार ये कौन लोग हैं ये क्या कर रहे हैं वो यार हम ना कीड़े निकालते थे वाईसी में तो वो अभी भी हम हंसते हैं जब भी ये बात हम करते हैं ना कि यार देखो अल्लाह ताला ने जाहिर है हमें यहीं लाना था लेकिन शुरू में हम ऐसे करते थे तो वहाँ बैठ के माशाला मुरा के साथ मैं मैंने कई नाइट्स स्पेंड की जाहिर है टुगेदर उसके रूम में और वहाँ सारी सारी रात हम जो है वो डिस्कशंस करते थे आइडियाज़ की बात करते थे कि कोई कोर्सेज़ लॉन्च करें या कोई ऐसी डिस्कशन यानी जिसकी कंट्रोवर्सी कोई चल रही है तो वो हमारा माशाल्लाह ताल्लुक़ जो है वहाँ से कायम होता रहा और हमें मिलाने वाले 2010 में नौशरवान हुआ थे कुछ लोग होते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ना लोगों को मिलवाते हैं कनेक्ट yes है। करते हैं ये भी माशाल्लाह एक टैलेंट है अच्छा जस्ट

उनके भांजे हैं बहुत यंग हैं और बड़ी किताबें पढ़ते हैं उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है तो मैंने कहा अच्छा चलो यार मिलते हैं तो हम 2010 में गए नाइन्टी नाइन जी मॉडल टाउन अनस अनसभाई से मिले और दैट वाज माय फर्स्ट क्लोज़ इंट्रेक्शन विद अ प्रॉपर स्कॉलर उससे पहले माशाल्लाह मस्जिद के जो इमाम वगैरह उनसे तो रहता था ताल्लुक़ लेकिन जो प्रॉपर एक पाए का स्कॉलर होता है ना सीनियर स्कॉलर माशाल्लाह उनसे मेरी आप कह लें पहली मुलाकात पहला एक्सपोजर था और मैं इतना इंस्पायर हुआ उनके अख्लाक से उनकी नरमी से उनकी जेंटलनेस से एक एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि मूवमेंट उनकी बॉडी की मूवमेंट उनका बोलने का अंदाज़ उनका सुनने का अंदाज माशा मुहिरा भी वहाँ पे थे तो यहाँ से हम तीनों का ताल्लुक एन स् भाई मेरा और का ताल्लुक जो है वो बना माशा और फिर हम आया करते थे आ, मैं तो फैसलाबाद से आता था आपको पता है लाहौर तो मैं दो में शिफ्ट हुआ तो मैं स्पेशल फैसलाबाद से आता था अनस भाई से मिलने मुरा से मिलने हम जाते थे करेडोज ये कढ़ाई खाने फैसल टाउन में <laughs> हम बिल अनस भाई पे डाल देते थे अंदर अंदर से हंसते थे हम कहते थे यार चलो आज अनस भाई से खाते क्योंकि माशाल्लाह तब हमारे पास पैसे नहीं होते थे जाहिर है हम में से कोई भी जॉब होल्डर नहीं था तो अनस भाई ने बड़ी हमारी दावें हैं और बड़ा कुछ हमें खिलाया लेकिन उसमें हम सवाल करते थे अनस भाई से और समझते थे इशूज़ को माशाल्लाह मैंने शुरू में जितनी भी वर्कशॉप्स दी है उस सारी भाई से प्रूफ कराता था, नहीं नहीं। पूछता था इसमें क्या पॉइंट जो है वो मैं ऐड करूँ वगैरह वगैरह तो ये माशाल्लाह माशा के साथ जो है ना वो मेरा एक ताल्लुक अली भाई माशाल्लाह माशादर इम्पोर्टेंट फिगर उनका याद है आपको अली भाई से कब आपकी मुलाकात हुई मेरा ख्याल है उसी मीटिंग में जब मैं इस्लाम गया था अच्छा तमाम तो टीम से मुलाकात हुई थी वही दो हजार चौदह में जो इवेंट था पी सी में

फील्ड चेंज किए और वाईसी के लिए उन्होंने ग्राफिक्स काम शुरू करना किया hmm. पहले पोस्टर्स hmm. बनाते थे अच्छे-अच्छे hmm. hmm. तो उनसे मेरा ज़्यादातर ऑनलाइन ही था hmm. और ऑन साइट पर जब वो लाहौर आए मुलाकात हुई काफी लेटली फिर उनसे, उनसे वैसे तो आई वॉज स्पेशली करते थे उसके बाद फिर वीडियो बनाना शुरू की तो दिस इज हाउ आई नो अब जिस तरह का इवेंट था और उसमें जलील मोहसिन शीमा अली भाई ये सारे उनसे मुलाकात इस तरह ही और मेरी उनसे उस तरह ही मुलाकात थी कि खाने पे आ जाएं, क्योंकि जिस तरह मैंने वो बताया कि वो नहीं। नहीं। उनसे इस तरह इंटरेक्शन थी मेरी बस ज़्यादा नहीं थी नाइस माशा मेरा अली से ऐसे ताल्लुक़ बना कि वो मुझसे काफ़ी बातचीत करते थे मैसेंजर पर जो फेसबुक दो हजार ग्यारह उसमें उन्होंने मुझे डांटा हुआ है मेरे पे एतराज <laughs> किया हुआ है बड़ी सख्त सख्त नसीहत <laughs> की <हुए laughs> है कि फियर अल्लाह ब्रदर <laughs> ये तुमने कहा ये ना करो वो ना करो तो मैं स्माइल करके उन्हें रिप्लाई करता था उनकी बात सुनता था माशाल्लाह तो वो बड़ा हंसे कहते यार देख लो ये भी ये एक टाइम था ये भी एक फेज था, था जाहिर है कि जब मैं बहुत लकड़ पाड़ <laughs> <था। laughs> <जब होता। laughs> तो माशाल्लाह वहां से अली से एक ताल्लुक बना और फर्स्ट टाइम वी एट सिस्ट शिफा इंटर स्कॉलिस्टिक टूर्नामेंट देखें ये बड़ा रोल है और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि यू नेवर नो कि जो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना उसमें पता नहीं अल्लाह किसको किससे मिला दे, दे।, दे ये ज़रिए बनते हैं ना तो इसलिए इम्पॉटेंट है कम्युनिटी बिल्डिंग और इवेंट्स करवाना और आपस में जुड़ के रहना कि लोग मिलते हैं एक दूसरे को पहचानते हैं वहाँ अली ने मुझे देखा माशा स्माइल्ड और मैंने फिर इनसे जाके मिला मैंने कहा अली शाम है कहते तो वहाँ से दो की बात वहाँ से माशाल्लाह अली से ताल्लुक बना और फिर माशाल्लाह उनकी ग्रोथ हमारे सामने है अल्लाह ने उन्हें बड़ा एक वो टैलेंट दिया है बहुत जहानत दी है क्रिएटिविटी दी है माशाल्लाह एंड ही इज़ हेटिंग ओवरऑल मीडिया जो यूथ क्लब का माशाल्लाह है और काफ़ी थिंक टैंक है वो माशा